अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा हाफिज़ है। देखा जाए तो वर्ल्ड कप में अपसेट्स हो रहे हैं। नैदरलैंड ने पहली बार जो हिस्ट्री में अपने जो वर्ल्ड कप में 2 मैचेस जीते हैं। पहला उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया जो 6 में से 5 मैच जीत चुकी है, और एक है जो आ रही है वो नैदरलैंड से आ रही है। फिर नैदरलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। बांग्लादेश भी अच्छी खासी टीम है, इतनी भी बुरी टीम नहीं थी कि नैदरलैंड से हार जाती, लेकिन नैदरलैंड की क्रिकेट ने बहुत इंप्रूवमेंट किया और बांग्लादेश को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, पाकिस्तान को भी जिसके कहते हैं ना नस डाल दी थी उन्होंने। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये नैदरलैंड के लिए। एज़ कम्पेयर टू तो इस वक्त तो वो इंग्लैंड से ऊपर है, इंग्लैंड से अच्छा कह रहे हैं, पाकिस्तान से भी मैं कहूँगा अभी तक अच्छा कह रहे हैं, बांग्लादेश से अच्छा कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान के लिए। मोस्टली लोगों के सिनेरियोज़ बना रहे हैं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हार जाए, पाकिस्तान जीत जाए अपने 3ों मैचेस। तो बात यह है पाकिस्तान 3ों मैचेस जीतेगा कैसे, मुझे तो डर है बांग्लादेश से ना हार जाए। पाकिस्तान 3 मैच जीते फिर देखते हैं जो सिनेरियोज़ बनते हैं, जो कुछ होता है कुदरत का निज़ाम आता है या नहीं। चले अब आप अपने 3 मैचेस तो जीते हैं, फिर देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। पहले ही खुशियाँ ना मनाना शुरू, ये जीतेंगे ये जीतेंगे पहुँच जाएंगे, पहले अपने मैच जीते फिर देखेंगे फिर कुदरत का निज़ाम बनता है या नहीं।